वीडियो को लाइक करेंगे पहले आपका मतलब नहीं है। ये लो आवारा गर्दी मत करो, कर्मचारी हो हैसियत में रहो। आप कर सकते हैं, करेंगे आप करेंगे और आवारा गर्दी किए हो मीडिया कवरेज से रोकने की कोशिश मत कीजिए। मैं आज चल कर आई हूँ आपका पक्ष जानने के लिए, आपका पक्ष जानने के लिए। मैंने आपसे पूछा आप मीडिया बाइट देंगे या नहीं, आपने कहा मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैंने जजमेंट दिया है। तो आप बोल रहे हैं कल मैंने बात करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे रोका गया, चेन गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया। चेन गेट के दूसरे रास्ते से निगम कर्मी हमें जाने नहीं दिए और अभी ये फोटोग्राफर बन रहे हैं कर्मचारी। गुंडे लोग से नहीं लेते हैं। अरे आप लोग हैं गुंडे, कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑथराइज नहीं है बाइट देने के लिए। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद में नगर निगम कैंपस के अंदर। आप देख सकते हैं भीड़, महिलाओं की पुरुषों की। ये नगर निगम के कर्मचारी हैं जो आज हड़ताल पर हैं। इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, आज जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो हम पर आरोप लगे पक्षपात के, जजमेंटल होने के। एक सफाई दूंगी और ये अंतिम सफाई होगी। सबसे पहली बात, हमें फर्जी ब्लॉगर और यूट्यूबर जैसे शब्दों से अगर आप नवाजते हैं तो जान लीजिए ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म भारत के एक रजिस्टर्ड अखबार का प्लेटफॉर्म है। जैसे आप बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को देखते हैं बस उसी तरीके से हम लोगों का भी एक रजिस्ट्रेशन है। दूसरी बात, हमें पत्रकारिता करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारी गलती रही, मैं मानती हूँ मेरी और मल्लिका की गलती रही कि हमने सच को दिखाया। हमारे कैमरे उस वक्त भी ऑफ नहीं हुए जब भगदड़ मची थी। मैं कहती हूँ मेरी मत सुनिए, आप केवल फुटेज की सुनिएगा जो फुटेज हमने आपके साथ शेयर की है। हमारी कोशिश इस पूरे प्रकरण में यही रही हम दोनों एंगल को दिखाएं। कल हमने कोशिश की नगर आयुक्त से बात करने की, हमने उन्हें कॉल भी किया लेकिन उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। फिर हमने कोशिश की, हमारे पास उसके वीडियोज़ हैं, हमने अपलोड भी किया है उसे। हमने कोशिश की, अप्रोच लगाया कि वो अंदर से ग्रिल को खोला जाए, जो लोहे का जो चेन गेट है उसे खोला जाए और हम वहाँ से जा पाए, परंतु हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। हमें लगा कि हमें दोनों पक्षों को सुनाना चाहिए लेकिन नगर निगम के जितने भी कर्मचारियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि वो ऑथोराइज नहीं है। तो जो ऑथोराइज्ड हैं वो नगर आयुक्त हैं और नगर आयुक्त ने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। हमारा काम जो ग्राउंड पर चल रहा है वो दिखाना है। हमें ऐसे लोग जो सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। आजकल तो
भारत जैसे लोकतंत्र में सिटीजन जर्नलिज्म की भी स्वतंत्रता है। कोई भी उस समय वीडियो कैप्चर कर सकता था, बहुतों ने किया भी होगा। मीडिया में कुछ गिने चुने लोग थे, हम लोग थे और शायद दो चार और पत्रकार, जिनके पास जो फुटेज आ पाई वो अवेलेबल कराया गया और वो हम आपको दिखा रहे हैं। खैर, आज हम बताना चाहेंगे इस मामले में एक कंप्लेन रजिस्टर की गई है और जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं लोग, उनमें से कुछ लोगों को उसमें कुछ लोगों के नाम का उसमें वर्णन किया गया है और वो कंप्लेन दर्ज की गई है। हालांकि मैंने धरनार्थियों से भी बात की जो कल यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने थाने में कंप्लेंट लेटर दिया है जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैं दिखाना चाहूँगी। मल्लिका दिखाइएगा, ये कंप्लेंट लेटर उन्होंने कल थाने में दिया है, परंतु थाना में कोई केस दर्ज नहीं किया गया और ना ही उन्हें रिसीविंग मिली है। हालांकि उनका कहना है कि मौखिक बातचीत हुई है, हम आपको सुनवाएंगे। हमारी कोशिश थी, पहली कोशिश, कि कल हम लगातार प्रदर्शनकारियों को दिखा रहे थे तो आज हम निगम को दिखाएं, केवल इसलिए कि निगम में शायद कुछ लोग बोलने को तैयार हों, परंतु ऑथराइज नहीं है ऐसा कहते हैं। और उसके बाद बदतमीजी, मैं कहती हूँ, क्या धनबाद में महिलाएं पत्रकारिता नहीं कर सकती? जो कल हुआ, हम लोग उतनी भाग दौड़ में भी अफरा तफरी का माहौल था, हमारे कैमरे ने कैप्चर किया। मैं खुद यहाँ की रेलिंग्स को क्रॉस करती हुई दौड़ती भागती हुई भाग रही थी उस वक्त। केवल एक कारण था कि सर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार कैसे निकल रहे हैं, मैं वो दिखाऊं। क्यों? हम झूठ कह सकते हैं, मैं झूठ कह सकती हूँ, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए हम भागे, मैं और मल्लिका कितनी बार भीड़ में फंसे, मुझे लग रहा था कहीं मल्लिका चोटिल ना हो जाए, क्योंकि कार इधर उधर भाग रही थी, मल्लिका को लग रहा था कहीं मैं ना चोटिल हो जाऊं। महिलाओं के लिए क्यों इतनी मुश्किल पत्रकारिता को किया जा रहा है धनबाद में? क्यों आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है धनबाद में? एक और कॉपी है मेरे पास अभी, ये भी मुझे धरना प्रदर्शन वाले जो लोग हैं उन्होंने दिया है। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन उनका कहना है कि ये एक रिसीव्ड लेटर है। ये नगर आयुक्त बेटर बता सकते हैं। उनका कहना है कि कल जो यहाँ प्रदर्शन हुआ उसमें केवल वार्ता होनी थी और इस वार्ता से संबंधित जो इंटिमिडेशन जो है, जो नगर आयुक्त और नगर निगम को, या यूँ कहें झमाड़ा वालों को, जो ये बताया गया था, इसमें लिखा हुआ है श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय झारखंड कनी क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद, मतलब झमाड़ा एमडी जो कि अभी नगर आयुक्त भी हैं, उनको ये लेटर दिया गया था और इसमें लिखा गया था कि 7 तारीख को बच्चों और परिजनों के साथ, परिवार के साथ झमाड़ा अनुकंपा के आश्रित प्रदर्शन करेंगे और अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, विधि व्यवस्था की कोई भी त्रुटि सामने आती है, कोई भी इशू क्रिएट होता है, तो उसका जिम्मेवार झमाड़ा प्रबंधन और जिला प्रशासन होगा। फिर एहतियातन पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों यहां पर धनबाद थाना की पुलिस कर्मी दिन में आए और उनके सामने झड़प हुई? हमने वो भी कैप्चर किया है, मैंने और मल्लिका ने जाकर बात की धनबाद थाने के जो प्रभारी थे उनसे कि सर आप रोकते क्यों नहीं है जो ये हो रहा है, तब उन्होंने बीच बचाव किया। और उसके बाद जब नगर आयुक्त निकलने वाले थे, बाहर लोग बोल रहे थे कि हम बात किए बिना नहीं मानेंगे, तो उन पहले तो वो लोगों के बीच से घिरे हुए निकले, मान सकती हूँ वो बचाव में आए, लेकिन क्या उन्हें इतना अंदाजा नहीं था कि बाहर भीड़ जो है उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रही है और वो उग्र हो सकती है? क्या एक अधिकारी को इतनी समझ भी नहीं है? और अगर है तो क्यों नहीं एसएसपी से सुरक्षा मांगी गई और मध्यस्थता करवाई गई? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब ढूंढना प्रशासन का काम है, मीडिया का नहीं। लेकिन हाँ, हम सच दिखाते हैं और बिकेंगे नहीं, ये आप सुन लीजिए। जो हमसे नफरत करते हैं वो भी जान लें।